आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। पामगढ़ ब्लॉक के पंचायत सचिवों की अनिश्चितकालीन हड़ताल आठवां दिन भी जारी रही, जहां पंचायत सचिव अपनी क्षेत्रीय मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर डटे हुए हैं। सचिव एवं रोजगार सहायक का कहना है कि हमें केवल आश्वासन ही दी जा रही है। हम सभी चाहते हैं कि सरकार कोई ठोस कदम उठाए जिससे हम सचिवों और रोजगार सहायक की मांग पूर्ण हो। जब तक हमारी मांग पूर्ण नहीं होगी तब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी। ग्राम पंचायत सचिव संघ विगत 26 दिसंबर से शासन से एक सूत्री मांग के संबंध में अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ किए हैं। ग्राम पंचायत सचिव जो लोकतंत्र का अंतिम हिस्से का कर्मचारी है और केंद्र शासन और छत्तीसगढ़ शासन के छोटी बड़ी सभी योजनाओं को कार्यान्वित करने का दायित्व भार उनके ऊपर है, परंतु विगत 25 साल से वो अपने रोजगार के गारंटी में शामिल नहीं है। आज भी वो अनियमित कर्मचारी की श्रेणी में है, ना उनका ग्रेडेशन नहीं हुआ है, ना शासकीकरण नहीं हुआ है। और पंचायत सचिव संघ इसी रोष में हड़ताल चालू किए हैं कि उनका नियमितीकरण होना चाहिए, एक सूत्री मांग नियमितीकरण। अगर मांग पूरी नहीं होती है तो सर क्या करें? मांग पूरी नहीं होगी तो फिर जो हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल है वो भूख हड़ताल आमरण अनशन में बदल जाएगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। क्या नाम? दिनेश कुमार यादव, सचिव ग्राम पंचायत सेमरिया। जी सर, बताएंगे आपके जो अनिश्चितकालीन हड़ताल उसके बारे में। सर, हमारी मूल समस्या ये है कि भारत की जो राजनीति है उससे हम परेशान हैं। आज 2007 से हम इस सेवा में पदस्थ हैं रोजगार सहायक के रूप में, और शासन को लगातार हर तरह की सहयोग कर रहे हैं इस योजना में। भाजपा की पहली सरकार थी, फिर कांग्रेस की सरकार आई, सबने वादा किया, सबने वादा खिलाफी किया, और आज हमको एक चपरासी से नीचे दर्जा देते हुए केवल 5,000 से 6,000 तनख्वाह दिया जा रहा है। ये सोचने वाली बात है। आपके इस माध्यम से हम प्रशासन तक पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, बंद कीजिए तानाशाही। सर, आपसे विनती है, बंद कीजिए तानाशाही। आज के डेट में आपके अपने घर के चपरासी को 5,000 और 6,000 में नहीं तोलते होंगे जो हम रोजगार सहायकों को इस स्थिति में ला के खड़ा किए। आपसे अनुरोध है इस मंच के माध्यम से, हमको हड़ताल करने के लिए आपने मजबूर किया, आपने चुनाव में वादा किया था हमको उस सम्मानित पद के लिए, सम्मानित वेतन के लिए। इस मंच के माध्यम से हमारा दो ही सूत्री मांग है, मुख्य रूप से ग्रेड पे निर्धारण और सही वेतनमान। वेतनमान हमको सही दीजिए, नियमितीकरण कीजिए। जैसे हम पूर्व में ही काम करते आ रहे हैं शासन का, वैसे करते आएंगे। इसी सूत्री को मांग लेकर के पूरे रोजगार सहायक संघ एक साथ इस मंच में, आज हमको 30 तारीख से हो गया हड़ताल में बैठे हुए, फिर भी शासन के कोई मुख्य व्यक्ति हम बीच में आकर के हमको आश्वासन नहीं दिया है। इसी नाम से हम बोल रहे हैं, रोजगार सहायक संघ जिंदाबाद, 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 रोजगार सहायक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमको अपना हक देख रहेंगे, लेख रहेंगे, लेख रहेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।